अगर हम 2022 का पेपर देखें तो बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले कुरानिक पैसेजेस है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है कि सर मुझे ये बात बताएं कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम इन ईच पैसेज लिखा हुआ है। सही है, मुझे कोई दो पैसेज करने। एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थीम इन अ मुस्लिम लाइफ टूडे। अब अगर मैं इसको गौर से देखूं, तो मैं गौर से देखूं तो सवाल है, ओ पीपल एडोर योर गार्डियन लॉर्ड हु क्रिएटेड यू एंड दोज हु केम बिफोर यू सो यू मे हैव द चांस टू लर्न राइटियसनेस। हु हैज मेड द अर्थ योर काउच एंड द हेवेंस योर कैनोपी एंड सेंड डाउन रेन फ्रॉम द हेवेंस एंड बाय इट ब्रॉट फोर्थ फ्रूट्स फॉर योर सस्टेनेंस देन डू नॉट सेट अप राइवल्स विद अल्लाह इफ यू नो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी है तो पहले सोच लें। सही है, आप लोगों को टाइम मिलता है। फिर पैसेज नंबर टू, से आई सीक रेफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड द किंग ऑफ मैनकाइंड द गॉड ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ द विस्परर हु विथड्रॉज हु विस्परर्स इनटू द हार्ट ऑफ मैनकाइंड अमंग जिन्स अमंग मैनकाइंड। ये हमारे पास दो। उसके बाद टू यू वी हैव ग्रांटेड अबंडेंस सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सेक्रीफाइस फॉर ही हु हेट्स यू विल बी कट ऑफ। ये कौन सी है? ये तीन वर्सेस आपके पास हैं, आप लोगों के पास दिमाग थोड़ा सा चलाने का वक्त है। अब अगर आपने किसी ने ये सोचा, जाहिर सी बात है माशाल्लाह सोचते तो आप लोग बहुत ज्यादा हैं। अब 1 से 2 मिनट में आप लोगों को क्या करता हूँ, दे देता हूँ। 1 से 2 मिनट दे दिए, अब 1 से 2 मिनट के बाद अच्छा 1 मिनट रुक दिए। अब हमारे पास जो कहानी है वो ये है कि भाई हमें तीन इसमें से करने हैं। सही है, अब आपने सोच लिया, अपना थोड़ा सा दिमाग चला लिया, जो थोड़ा सा जंग लगा हुआ दिमाग है। अब जब जंग लगा हुआ दिमाग चलाया तो आपने इसके अंदर देखा कि यार ओ पीपल अडोर योर गार्डियन लॉर्ड, योर 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 हर जगह पे लिखा हुआ है। इसका मतलब तो क्लियर है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ये अल्लाह इन हिमसेल्फ होगा नहीं होगा। आपने अगर अल्लाह इन हिमसेल्फ सोचा तो गलत सोचा। क्यों गलत सोचा? क्योंकि बेटा इसके अंदर योर योर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड होगा। आपके दिमाग को क्या लग चुका है बेटा? जंग लग चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और इन 2 3 4 दिनों के अंदर मेहनत कर ली तो इनशाला रिजल्ट आ जाएगा। बस अपनी 100% दो, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है से आई सीक रेफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड। तो अब हमारे पास जो कहानी है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कि से आई सीक रेफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड द किंग ऑफ मैनकाइंड द गॉड ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ विस्परर्स हु विथड्रॉज हु विस्परर्स इनटू द हार्ट्स ऑफ मैनकाइंड अमंग जिन्स एंड अमंग मैनकाइंड। ये सूरह नास है। सूरह नास कौन सी है सर? अल्लाह इन हिमसेल्फ है। नहीं बेटा, ये अल्लाह इन हिमसेल्फ नहीं है, ये अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड है। आपके दिमाग को क्या लग चुका है बेटा? जंग लग चुका है। उसके बाद है टू यू वी हैव ग्रांटेड अबंडेंस सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सेक्रीफाइस फॉर ही हु हेट्स यू विल बी कट ऑफ, ही विल बी कट ऑफ फ्रॉम फ्यूचर होप्स। ये कौन सी सूरत है? तो ये बेटा इन्ना तौइना कल कौसर। जब आप इन्ना तौइना कल कौसर पढ़ रहे हो, जब आप सूरह कौसर पढ़ रहे हो, तो ये आपको पता है ये किसके लिए आई थी? ये हमारे प्यारे नबी के लिए आई थी। और जब ये हमारे प्यारे नबी के लिए आई थी तो इसका क्लियरली मतलब है कि बेटा ये कौन सी होगी? अल्लाह विद मैसेंजर। अब हम आएंगे मेन थीम पर। मेन थीम कैसे बनाएंगे? द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। इन दिस पैसेज अल्लाह इज डिस्क्राइबिंग सम ऑफ द रिलेशनशिप विद हिज क्रिएशन। क्या बताया जा रहा है? सबसे पहली चीज है ओ पीपल एडोर योर गार्डियन लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। द फर्स्ट थिंग दैट दिस पैसेज इज एक्सप्लेनिंग इज दैट अल्लाह इज आर क्रिएटर एंड वी आर हिज क्रिएशन। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह दैट अल्लाह क्रिएटेड अस एंड वी शुड वर्शिप ओनली हिम। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम वी शुड का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो दिस पैसेज टीचेस अस दैट, उसके बाद अगर शुड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका मतलब असली वाला शुड नहीं है। सही है, तो हम जो हमारे पास है कि भाई ये पैसेज हमें क्या बता रहे हैं, दिस पैसेज टीचेस अस अबाउट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि चले हम शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम ये बोल देते हैं कि भाई ये दिस पैसेज क्या, अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड है। इस पैसेज के अंदर क्या बताया जा रहा है? दिस पैसेज टेल अस दैट अल्लाह इज आर क्रिएटर। सही है, उसके बाद आप क्या बता रहे हैं? उसके बाद ये है कि अल्लाह डू नॉट ओनली क्रिएट्स अस बट ही इज ऑल ही क्रिएट्स ऑल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो हमसे पहले आए उनको भी बनाया, जो अभी आए उनको भी बनाया।
फिर अल्लाह इज आर सस्टेनर, सस्टेनर का मतलब हमारी पाने वाली पालने वाली जात। अल्लाह ने हमें अर्थ दिया रहने के लिए, हमें हेवन दी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रेन प्रोवाइड करी, अल्लाह ताला ने फ्रूट, तो अल्लाह इज आर सस्टेनर। फिर आप बताएंगे कि हमारे पास इसके अंदर, हमें इस पैसेज के अंदर बताया जा रहा है कि इफ एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड बाय अल्लाह, सो आप क्या करें, ओनली वॉर्शिप, ओनली वॉर्शिप अल्लाह एंड डू नॉट सेट राइवल्स विद अल्लाह, डू नॉट डू शिर्क। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, वी शुड, वॉट वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्लाह हमारे क्रिएटर हैं तो वी शुड वॉर्शिप हिम। अगर अल्लाह ताला हमारे, अल्लाह ताला ने ही हमें कैनोपी और सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर आर ऑल काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, वी शुड नॉट बी फील प्राउड प्राउड कि भाई हमें ये चीज मिली, हमें इतना घर मिला, ये चीज मिली। उसके बाद ये है कि हमें हमें शिर्क नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्लियरली ये चीज बताई जा रही है। अच्छा, अगर हम सूरह नंबर 114 को देखें, द पैसेज, द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। अब इस पैसेज के अंदर अगर देखा जाए, सी आई सी रेफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड द किंग ऑफ मैनकाइंड, इसके अंदर अल्लाह ताला से रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि अल्लाह इज द प्रोटेक्टर, अल्लाह मतलब अल्लाह मैनेजेस दिस होल वर्ल्ड, अल्लाह कैन डू एनीथिंग। आप ये बताएंगे कि अल्लाह ताला को हम इसके अंदर डिफरेंट चीजों से मुखातिब कर रहे हैं, हमारा किंग, हमारे गॉड, हमारे गॉड, हमारे लॉर्ड, हर चीज अल्लाह है। आप ये बात बताएंगे इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर हमें किसी चीज से कोई चीज की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकते, चाहे वो आपका शैतान हो, चाहे वो आपके ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो, अगर आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है सिर्फ अल्लाह से मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। इसके अंदर आपको ये भी बताया जा रहा है कि भाई शैतान आपका दुश्मन है, शैतान इज योर एनिमी, कुरान सेज शैतान इज योर एनिमी, सो ट्रीट हिम लाइक योर एनिमी। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई भी मुश्किल के अंदर हो, ब्लैक मैजिक कोई भी चीज है, तो उस पर हमारा, एक तो हमें उस पर क्या करनी चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हुआ, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने ब्लैक मैजिक के ऊपर, इसको रिवाइज, इन वर्सेस को पढ़ा। फिर कोई भी चीज है, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह कैन ओनली प्रोटेक्ट, किसी और के पास ना जाए, कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, मदद सिर्फ कौन कर सकता है, अल्लाह की जात। सूरह नंबर 106, दिस पैसेज इज अल्लाह विद मैसेंजर, इन दिस पैसेज अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, अल्लाह ताला अपना रिलेशन बता रहे हैं, टू यू वी हैव ग्रांटेड अबंडेंस सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सेक्रीफाइस फॉर ही हू हेट्स यू विल बी कट ऑफ। इसके अंदर अल्लाह ताला से अगर हम इसकी मेन थीम समझें तो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे हम हो, हमारे लिए हर चीज करी। और फिर क्या बोला गया, इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ने आपके लिए करा तो इन रिटर्न आप क्या करो, अल्लाह को वॉर्शिप करो। फिर इसके अंदर ये बात भी बताई जा रही है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करेगा, अल्लाह ताला उससे नफरत करेंगे, फॉर ही हू हेट्स यू ही विल बी कट ऑफ, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास वो है कि हम बोल सकते हैं कि कुरान से ही ओबेज द मैसेंजर ओबेज अल्लाह, तो हम ये वाली वर्ड्स डाल सकते हैं सपोर्ट करने के लिए कि इसके अंदर हमें ये अल्लाह ताला का रिलेशन बताया जा रहा है, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला किसी से मतलब जो मुश्किल आती हैं उस मुश्किल के अंदर अल्लाह ताला सपोर्ट भी करते हैं, और जो अल्लाह ताला के प्यारे नबियों से अगर नफरत करेंगे या नाऊज़ु बिल्लाह डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहली चीज ये है कि अच्छा, इसके अंदर आप ये भी बता सकते हो कि इस पैसेज को अल्लाह ताला ने जब डिस्क्राइब करा था, जब हमारे पास, जब आप के दो बच्चों का इंतकाल हुआ था, अब्तर कहा जाता था, अल्लाह ताला ने इसके अंदर रिवर कौसर गिफ्ट करा था। अब हम इससे क्या सीखते हैं, अब हम इससे सीखते हैं सबसे पहली चीज, अगर कोई भी मुश्किल आए तो उसके अंदर सुकून रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगर कोई भी मुश्किल आए तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इस वर्ष को हम पढ़ सकते हैं, और इस वर्ष से हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि जब आप के दो बेटों का इंतकाल हुआ, कितनी मुश्किलात वाला मंजर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने अपने रब से मांगा, और आप ये बात बताएं उनको रिवर कौसर मिला। तो मुश्किल हैं दुनिया के अंदर, अगर मुश्किल हैं, वर्ल्डली एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कुरान कहता है, हदीस कहती है, द वर्ल्ड इज बिलीवर्स प्रिजन एंड अनबिलीवर्स पैराडाइज। फिर आप ये बात बताओगे कि भाई अगर हम अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अभी हम अगर थोड़ा मुश्किल वक्त गुजार लेंगे, तो बाद में हमारा वक्त क्या हो जाएगा अच्छा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलों के बाद रिवर कौसर मिला, वैसे भी हमें मुश्किल के बाद क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो हमें पेशेंस, हमें सब्र रखने का इसके अंदर सीखने को मिलता। तो अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट को देखें, द बेस्ट रिस्पॉन्सेज फोकस्ड ऑन द थीम्स ऑफ पैसेजेस सिलेक्टेड डेवलपिंग देम वेल, सच रिस्पॉन्सेज अबाउट गॉड्स रोल एज अ क्रिएटर एंड सस्टेनर हेंस डिजर्विंग ऑफ वर्शिप फ्रॉम द पैसेजेस कैंडिडेट रोट अबाउट हिज ग्रेटनेस द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय हिम हिज क्रिएशंस वल्नरेबिलिटी द स्पेशल रिलेशनशिप अ प्रॉमिस ऑफ हायर रिवॉर्ड्स इन कंसोलेशन टू हिज प्रॉफिट्स इन पर्टिकुलर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वीकर रिस्पॉन्सेस ने क्या करा, वो हमें गलतियां बताएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है
एक्सीलेंट रिस्पॉन्सेज रेफर टू द प्रिसाइज थीम्स ऑफ द पैसेज सेलेक्टेड. चूज अ फ्यू ऑफ देम टू टॉक अबाउट एंड शो हाउ दीज थीम्स आर सिग्निफिकेंट इन द एज वेल एज द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स. गुड रिस्पॉन्सेज टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अलायंस इन गॉड एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गॉड्स क्रिएशन एंड नेचर फ्रॉम पैसेज वन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम पैसेज टू एंड ट्रस्ट इन गॉड्स असिस्टेंट इन टाइम्स ऑफ ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन फॉर पैसेज थ्री. इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है. और क्वेश्चन नंबर टू फिर हम इसको देख लेते हैं. अच्छा, अब अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर टू है सर, हमने जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि सर हमने जो मेन थीम लिखी थी वो क्या सही लिखी थी या गलत लिखी थी. मेन थीम अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड, अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड, अल्लाह विद मैसेंजर, सही है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू सर किस पे आ गया. राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग फर्स्ट रेवलेशन. बहुत आसान सवाल. अब इसमें आपने क्या बताना है, फर्स्ट रेवलेशन के बारे में बताना है. अब मैं आपको पूरा आंसर पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यार हमने कोई चीज मिस तो नहीं करी, फिर हम मार्किंग स्कीम और को देखेंगे. द प्रॉफिट वी सी अपॉन हिम रिसीव रेवलेशन फ्रॉम गॉड. ये जून 2023 का है, हम कर रहे हैं ये वाला. सही है, आंसर तो सेम ही रहता है. अब हम क्या लिख रहे हैं. एज प्रॉफिट वॉज गोइंग ओल्डर ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द सोसाइटी ऑफ अरेबिया. वेन ही वॉज अराउंड 40 ही बिगैन टू रिटायर हिमसेल्फ टू अ नियर बाई केव हिरा एट जबले नूर. देयर ही मेडिटेटेड अबाउट हिज गॉड एंड द लॉज ऑफ हिज गॉड टू नो वॉट हिज गॉड वॉन्टेड हिम टू डू. इट इज रिपोर्टेड दैट ही यूज टू गो देयर विद फूड एंड वाटर सप्लाइज एंड रिटर्न होम वेन दे वर फिनिश. His wife Hazrat Khadija gave him more food, water, and dates, so he continued his meditation. The meditation continued until he encountered a strange happening. तो ये आपने क्या कर दिया, आपने ये एक इंट्रोडक्शन बना. When peace Muhammad peace be upon him was 40, one day in 610 AD, while he was meditating in the cave of Hira, being unknown to him, appeared and said, "Ikra," ordered him to read. The prophet replied, "I do not know how to read." That was because he was an ummi who could not read and write, or the one who did not learn any from any creation but learned from the creator. The being then caught him forcefully and pressed him so hard. The being then released him following the orders to read. The prophet's reply was the same, that he did not know how to read. The being then hugged him and pressed him hard for the second time. The prophet later shared his experience of being hugged and crushed with his companions. He told them that he was squeezed so tight that he felt that he would die due to suffocation. The being ordered him again to read. The prophet replied, "This time, what shall I read?" Thereupon, the being caught him for the third time and pressed him hard and then released him. The being then recited the following verses of Surah Alaq: "Read in the name of your Lord who created man out of a clot of congealed blood. Proclaim, and your Lord is most bountiful. He who taught us by the pen taught men what he did not know." This marked the beginning of revelations on Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhammad, peace be upon him, left the cave to return home. On the way to his home, Muhammad, peace be upon him, heard a voice from the sky. He looked up and saw the same being had visited him in the cave. But this time, the being was a gigantic figure. The Prophet got scared of seeing the creature with his head touching the sky, feet on earth, and wingtips touching the east and west. He said to Prophet, "You are the messenger of Allah, and I am angel Jibrail." Prophet Muhammad scared rushed to his home and asked Hazrat Khadija to cover him up. She covered him up with a black blanket. At this occasion, he received verses of Surah Madassir. The Quran states, "O you wrapped up in the mantle." He shared his experience with his wife Hazrat Khadija and said, "I fear that something may happen to me." Hazrat Khadija replied, "Never. By Allah, Allah will never disgrace you. You have kept good relations with your kith and kin. Help the poor and the destitute. Serve your guests generously and assist the deserving calamity affected ones." तो आपने हर किसी का ख्याल रखा, आपके साथ गलत नहीं होगा. अच्छा, ओ यू रैप्ड अप इन द मेंटल, ये रिवायतों में डिफरेंट है. कहीं पे है कि उस वक्त आ गई, कहीं पे है कि अभी ये बाद में आई थी. Hazrat Khadija then accompanied him to her cousin Warqa bin Nawfal, who during the pre-Islamic period became a Christian and used to write down Hebrew letters. He described to Warqa what the Prophet had seen and heard. Warqa said that being was an angel of law, Gabriel, matlab angel Jibrail, who also kept the secrets from Allah had sent to Hazrat Musa. Warqa also told Prophet about the carrier he had received through the visit of Archangel. This carrier was to perform the duty of inviting people towards one God and his religion. Warqa predicted that Muhammad, peace be upon him, would face opposition by his people.
आफ्टर कन्वेइंग द मैसेज ऑफ अल्लाह टू देम ऑन व्हिच ही वाज रियली शॉक्ड एज ही वाज नोन एज अल सादिक एंड अल अमीन, वर्का एडेड दैट मोहम्मद माइट आल्सो फेस एक्सपल्शन फ्रॉम हिज होम टाउन, मोर ओवर वर्का अश्योर्ड हिज सपोर्ट फॉर मोहम्मद पीस अपॉन हिम। ये हमने पूरा एक आंसर लिख दिया। बच्चों का सवाल ये आता है कि सर एक सवाल आया था राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हाउ ही वाज रीअश्योर्ड आफ्टरवर्ड्स। जो रीअश्योर्ड है वो यही है कि मतलब किस तरीके से उनको सपोर्ट मिला, उसके अंदर आपने प्रीचिंग परसिक्यूशन ये नहीं बताना होता। सही है। अच्छा अब हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स गिव प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ प्रॉफिट एक्सपीरियंसेस ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट रिवीलेशन, सम कोटेड आयशाज हदीस एंड कन्वर्जेशन बिटवीन खतीजा एंड द प्रॉफिट एंड वर्कास प्रिडिक्शन। सही है। फर्दर डेवलपमेंट इंक्लूडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्क एंजल्स इंटरेक्शन विद द प्रॉफिट एंड हिज रिएक्शन टू द सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस, वीकर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ बेसिक आउटलाइन ऑफ दिस इवेंट ओनली। मार्किंग स्कीम देखते हैं। प्रॉफिट ने क्या करा? सही है। व्हेन ही वाज 40 एंजल जिब्राइल केम टू हिम, ये बात भी बताई। एंजल स्पीच वाली बात भी बताई। ही रिपीटेड द कमांड एंड स्पीच द प्रॉफिट अगेन, वर्सेस 5 वो रिवील मी, वो भी बता दिया। यू प्रॉफिट केम आउट ऑफ द केव, यू आर द मैसेज ऑफ अल्लाह, ये भी बता दिया। ही वाज कंफ्यूज एंड शेकन, शी कंसोल्ड हिम, ये वाली बात भी बता दी। वर्का आंसर्स कैन बी एलेबोरेटेड विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड कोटेशन, सम कैंडिडेट में ऑल्सो मेंशन कस्टम्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन आइसोलेशन और गिव मोर डिटेल्स ऑफ द बैकग्राउंड। सही है। मतलब आप बैकग्राउंड की डिटेल्स दे सकते हो, जैसे हमने डेट्स वाटर वाली बात बताई है। ऑल वेरिएशंस ऑफ सम इवेंट्स एज रिकॉर्ड इन रिलायबल अकाउंट्स आर एक्सेप्टेबल। ऑल वेरिएशंस मतलब क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई ना कि थोड़ा सा वेरी करती हैं चीजें, तो ऑल वेरिएशंस आर एक्सेप्टेबल। सही है। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान बींग रिवील्ड ओवर 23 ईयर्स? अब सर इसका क्या आंसर होगा? क्यों कुरान 23 सालों के अंदर रिवील होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो। पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको आंसर पढ़ाऊंगा, फिर मैं मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कैंडिडेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान 23 सालों में नाजिल हुआ। देखो अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के अंदर, मैं चाहूँ एक क्लास के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं आपको एक क्लास में सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे या तो सर नफसियाती हो गए या सर हमें नफसियाती कर देंगे। दूसरी चीज, जल्दी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर एक साथ कुरान नाजिल होता, अब देखो जो मसला है उस मसले का हल बताऊं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर मुझे बताएं कि लाइफ इन मक्का में क्या हुआ था। सही है। यहाँ पर आप मुझसे पूछो माइग्रेशन टू अबिसिनिया में क्या हुआ, मैं आपको पूरा लेक्चर दे दूं। आप बोल, अब आपके लिए कितना मुश्किल होगा उसको ढूंढना क्या माइग्रेशन टू अबिसिनिया। मेरे सर का, मैंने सर से पूछा, ए सर ने ए से टू जी सब बता दिया, तो आप बोलोगे यार सर तो पागल हो गए। सही है। इसी तरीके से अब आप खुद सोचो कि यार जब हम एक नॉर्मल इंसान, हमारे लिए मुश्किल है, तो जो कंपेनियंस है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नॉर्मल इंसान है। ऑल दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे से बहुत ऊपर है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बनने की सब कोशिश कर सकते हैं, हम उनके जैसे बन नहीं सकते। तो आप कहने का मकसद ये है कि अब आप वो, जाहिर सी बात है कि अगर कुरान एक साथ आता लोग पढ़ सकते थे? नहीं। जो मसले होते थे उन मसले के हिसाब से रेवलेशन आती थी। उसके बाद अगर कुरान किस तरीके से वो लोग प्रैक्टिस करते, कुरान किस तरीके से लिखते, अगर एक साथ आ जाता तो वो शायद कुरान पढ़ते नहीं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कुरान कितने सालों में आया? 23 सालों के अंदर आया। अब मैं आपको इसका आंसर पढ़ा। सेम एज क्वेश्चन फर्स्टली दे गाइडेड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन एवर द नीड ऑफ गाइडेंस अरोन्स ऑन डिफरेंट ओकेजंस, प्रॉफिट वाज इंक्वायर्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, सो ही रिसीव्ड रेवलेशंस व्हेन एवर ही नीडेड डिवाइन आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। एन एग्जांपल ऑफ सूरह इख्लास इज एविडेंट टू दिस, जब लोग अल्लाह ताला से वो बोलते थे अल्लाह कैसे बने हुए हैं, तो वो जो है वो उनको गाइड करते थे। अल्लाह रिवील्ड वर्सेस ऑफ अल इख्लास ऑन प्रॉफिट, सिमिलरली ही रिसीव्ड वर्सेस ऑफ सूरह फलक एंड सूरह नास व्हेन ही वाज बीवेज एंड ही वाज गाइडेड अबाउट इट थ्रू रेवलेशन। सेकेंडली दे स्ट्रेंथन द हार्ट ऑफ मोहम्मद इन डिफरेंट वेज, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो फेस एडवर्सिटीज एंड डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, तो इन दोस ओकेजंस अल्लाह रिलीव्ड हिम एंड कंसोल्ड हिम। जैसे सूरह कौसर आपके पास आई, सूरह दुआ आई, जब गैप इन रेवलेशन आया। फिर आप बताओगे कि 30 गॉड सेज इन द कुरान, 88 सेंड डाउन द कुरान अपॉन अ माउंटेन। अगर एक साथ पूरा कुरान नाजिल होता आप सिस्टम की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट आता। इफ यू हैड सेंड डाउन द कुरान अपॉन अ माउंटेन यू वुड हैव बीन सीन इट हम्बल्ड एंड कमिंग अपार्ट फ्रॉम द फियर ऑफ अल्लाह। Soon it had been revealed as a whole, it would have been too heavy for him to carry the burden. Fourthly, it allowed Muslims to implement God's order gradually. It would have been very difficult for followers to learn, understand, implement, and memorize all of the heavenly laws in the lives together. Therefore, the time spending of revelation made it easier for the early Muslims to learn and apply the laws of God. तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों के अंदर आया। अब सर इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं या एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर आपसे जो पूछा गया
दे हैव मेनी गुड रिस्पॉन्सेज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये सवाल इतना रिपीट हुआ है तो बच्चों ने प्रैक्टिस करा हुआ था। रीजंस गिवन इंक्लूडेड दैट पैसेजेस वर रिवील्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, देयरफॉर इट वाज स्प्रेड फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। प्रॉफिट अंडरवेंट इमेंस फिजिकल हार्डशिप व्हाइल रिसीविंग, देयरफॉर टू ईज द प्रेशर इट वाज सेंट इन पार्ट्स। ग्रेजुअल रेवलेशन इंश्योर्ड स्टडी एप्लीकेशन ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वर हार्ड फॉर न्यू कन्वर्ट्स टू अडॉप्ट सडनली, एंड दैट इज आल्सो फैसिलिटेटेड कंप्लीट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। मार्किंग स्कीम भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कि वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लें, फिर आपके पास है कि भाई वो न्यू फॉलोअर्स इंप्लीमेंट कर सकें। सम ऑफ द पैसेजेस टू स्पेसिफिक इवेंट्स, नॉट अ गिविंग अ कंप्लीट मुक मेंट दैट इट वाज लाइकली फॉर द पीपल टू क्लेम हैड रिटन हिमसेल्फ और टेक हैड टेकन इट फ्रॉम समवेयर एल्स। ये लोग ये ना कह सकें कि ये जो है वो प्रॉफिट ने खुद लिख ली है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री, ये सवाल अब देखो 2023 का ये पेपर है, सॉरी 2022 का पेपर है। अब आप खुद सोचो जब ये नया सवाल आया होगा बच्चे तो घबरे नहीं हो गए होंगे। अब देखो आपको मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बेटा अगर आपने इंसानों की तरह अगर पढ़ा होगा ना, गिव एन अकाउंट ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन मदीना, सही है, एंड द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, ये बच्चों वाला सवाल था। लेकिन जो बच्चा अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी करके जाता वो इजीली इसको चॉइस पे छोड़ सकता था, कोई और सवाल अटेम्प्ट कर लेता। इन योर ओपिनियन व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, अभी मैं आपको इसका आंसर भी पढ़ाऊंगा। फिर है सवाल बैटल ऑफ खैबर एंड बैटल ऑफ तबूक, आसान सवाल है। उसके बाद सवाल है राइट अबाउट द लाइव्स ऑफ कंपेनियंस हजरत बिलाल एंड अबू सुफियान, अगर पढ़ के गए होते हजरत बिलाल एंड अबू सुफियान इजीली अटेम्प्ट कर लेते। मतलब ये है कि बेटा जब आप अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी करके जाते हो तो आपके पास चॉइस क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम इसका आंसर पढ़ते, अब हम अगर इसका आंसर देखें तो टॉपिक 1.3B, इन मदीना अलॉन्ग टाइम अगो देर वर टू मेजर अरब ट्राइब्स ऑस एंड खजरज, प्लेजेस ऑफ अकाबा के अंदर इनका नाम सुना था। दीज टू ट्राइब्स हैड बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर 120 ईयर्स। दिस फाइटिंग कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सिटी। बिफोर द प्रॉफिट्स अराइव्ड इन मदीना देर वॉज अ बिग बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ बुआद बिटवीन ऑस एंड खजरज। इट वॉज अ वेरी सीरियस फाइट एंड इट क्रिएटेड इवन मोर डिविजन एंड हेटेड बिटवीन टू ट्राइब्स। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम केम टू मदीना, मेनी पीपल फ्रॉम बोथ ऑफ द ऑस एंड खजरज ट्राइब्स बिकेम मुस्लिम्स एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। These people who became Muslims were called Ansars, which means supporter. They helped the Prophet in many ways. In addition to the Arabs in Medina, there were Jewish people from three different tribes, Banu Kainuka, Banu Nadir, Banu Qurayza. They had their own beliefs and customs and had been living in Medina for a very long time. There were also some Christians living in the city. After the Muslims came to Medina, another group was formed called hypocrites in the Quran. These were the people who pretended to be Muslims but didn't really believe. They caused problems and tried to create division. सही है? अब जब आपने ये बात बताई तो अब आपने देखें क्वेश्चन क्या था। इन योर ओपिनियन व्हाट गिव एन अकाउंट ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन मदीना एंड द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने ट्राइब्स की तो बातें बता दी, ट्राइब्स के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें। द ज्यूइश इन मदीना वर क्वाइट पावरफुल एंड रिच, दे वर एक्सपर्ट्स इन बिजनेस लाइक गोल्ड स्मिथिंग एंड कंट्रोल मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फिर आपने थोड़ा सा ज्यू के बारे में बताया, वो अमीर थे अरब्स के कंट्रास्ट में। इन कंट्रास्ट मोर्स अरब इन द सिटी वर फार्मर्स, दिस क्रिएटेड सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स। देयर वर वरीज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स इन मदीना एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड एनिमी लाइक कुरैश। प्रॉफिट वांटेड एवरीवन टू लिव टुगेदर पीसफुली एंड प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम थ्रेट्स। टू अचीव दिस यूनिटी एंड पीस Prophet made a special agreement known as Constitution of Medina. This agreement had two parts. It governed the relations between Muslims and Ansars, the new Muslims, and how they would live together in harmony. And it included the Jewish people living in Medina and how they were part of community. अब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट एवरीवन मुस्लिम्स एंड ज्यूज कुड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन फ्रीली। इट वाज अ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स बिलीफ। दिस एग्रीमेंट आल्सो सेड दैट इफ एनीवन ट्राइड टू अटैक द सिटी मुस्लिम्स एंड ज्यूज वुड हेल्प ईच अदर टू प्रोटेक्ट मदीना। दिस मेड द सिटी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एनी थ्रेट्स। बट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैड ब्रेकिंग रूल्स। इफ समवन कॉज ट्रबल और डिडंट फॉलो द
एग्रीमेंट देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस द प्रॉफिट मोहम्मद वुड डिसाइड व्हाट टू डू इन सच केसेस सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स इन द सिटी प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम एनी आउटसाइड डेंजर्स एंड मेक श्योर एवरीवन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर क्लियर इट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम मदीना एज अ सेफ प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन मेड मदीना अ सेफ सिटी फॉर एवरीवन इन द एग्रीमेंट दिस मीन दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइक मुस्लिम्स एंड जियोस कुड लिव देयर विदाउट फियरिंग ऑफ बीइंग हर्ट और अटैक द कॉन्स्टिट्यूशन said that people who had been against the Muslims like the Quraysh couldn't get protection or safety in Medina. There was a rule for helping people who were in need. If someone was having a hard time, the community would work together to support them financially. The people in Medina decided not to do any business or trade with Quraysh, the folks who had caused problems for the Muslims. This was a way of showing their disapproval of their actions. The constitution was in effect for 10 years. During this time, the different groups got along well, did business together and helped each other. After the constitution was made, the different groups in Medina were friendly to each other. They traded with each other, supported each other when they needed help, and worked together. This made Medina a peaceful and united place to live. अब हम examiner report पढ़ते हैं कि यार examiner के इस question में क्या शिकवे शिकायत है. Good responses were focused and demonstrated good knowledge and understanding of the tribes and politics in Medina when Muslims arrived there. Some wrote about the background of different pagan and Jewish tribes and their origins, occupations, and their role in Medina society. Others focused on the nature of their relationship, highlighting the two main pagan tribes were in constant conflict with each other. While this was further stimulated by Jewish tribes, the best responses give the precise terms of the constitutions of Medina. तो ये आपने रिस्पॉन्सेस, बाकी वीकर रिस्पॉन्सेस क्या थे वो आपने. मार्किंग स्कीम देखते हैं सर, मार्किंग स्कीम में क्या है. आपने ओसन खजरज के बारे में बताया, आपने जियो ट्राइब्स के बारे में बताया, आपने यहाँ पर भी जियोस के बारे में बताया, उसके बाद आपने बताया कि क्या हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट्स थे, ट्रीटी में क्या क्या बातें हुई, वो सारी बातें आपने बताई. सही है. डिटेल्स अबाउट द माइग्रेशन इटसेल्फ, प्लेजेस ऑफ अकाबा, ब्रदरहुड मदीना इन द अर्ली डेज अपार्ट फ्रॉम दोज आर नॉट रेलिवेंट सो आर नॉट क्रेडिट. इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सही है. अब हमारे पास क्या कहानी है, अब हमारे पास सिंपल सी कहानी है कि सर अब इसका बी पार्ट. बी पार्ट ये है, इन योर ओपिनियन व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, क्या चीज़ मैं सीख सकता हूँ. तो अब मैं इसका फोर मार्क्स का पार्ट देखता हूँ. अब पहले ना मैं खुद सोचता हूँ यार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, अगर मेरे पास कोई बंदा आ रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. सही है. दूसरी चीज़, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मतलब किसी से भी आप ट्रेड कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, कुछ बेच सकते हो. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना से हम ये सीख सकते हैं कि आपने एज अ नेशन जो है वो नहीं लड़ना, बल्कि एज अ सोसाइटी, मतलब आप डिफरेंट अगर वो से हो, रिलीजन से, तो एक साथ लड़ना है, यूनाइटेड होके लड़ना है, किसी के साथ गलत वो नहीं करनी. तो ये सारी चीज़ें. व्हेन मुस्लिम्स लिव इन प्लेसेस वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, इट्स एसेंशियल टू लिव इन हार्मनी एंड पीस. दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग बिलीव्स एंड कस्टम ऑफ इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ. द इंक्लूड राइट टू प्रोटेक्ट वंस रिलीजन फ्रीली, द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी. Whether Muslims are a minority or a majority in particular place, it's important to ensure that all members of the community have equal rights. This means no one should be treated unfairly or discriminated against because of their faith. It's about treating each other with respect and fairness. The Constitution of Medina had principles of unity and cooperation. In today's world, these principles can be applied when communities and nations come together to create agreements and establish common goals. These agreements can cover a wide range of topics, from economic cooperation to promoting peace and security. Does the Constitution of Medina encourage cooperation and economic unity among the various groups in the city? Today's world can see nations and communities entering into economic cooperation agreements. जैसे कि आप example दे सकते हो कि हम लोग different agreements होते हैं, regional cooperation for development, या कोई ऐसी आप example दे रहे हो कि भाई दो दो countries के बीच में एक economic freedom आता है कि आप लोग trade कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. तो ये चीजें हम क्या करते हैं, इससे सीखते हैं. आंसर बड़ा है, आप इसको छोटा करके लिख सकते हो. उसके बाद हमारे पास सवाल है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ खैबर एंड बैटल ऑफ तबूक. डिस्पाइट देयर डिफिकल्टीज, बैटल ऑफ खैबर द मुस्लिम्स नेवर गिव अप. व्हाट मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम दिस इन एवरीडे लाइफ. अच्छा, दूसरी बात, हमने इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट अभी नहीं पढ़ी,
गुड रिस्पॉन्सेज टॉक्ड अबाउट हाउ मुस्लिम लीडर्स टुडे शुड गिव राइट टू माइनॉरिटीज, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी प्लेसेस ऑफ वॉशिप. सम ऑल्सो मैंशन एंटरिंग इन टू पीस एग्रीमेंट और गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल. दिस रिस्पॉन्सिबल आर ऑल्सो एबल टू टॉक अबाउट पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर तो अराउंड द वर्ल्ड. तो आपने ये बताना. उसके बाद हमारे पास है खैबर एंड तबू. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि लाइफ इन मक्का लाइफ इन, अब देखें दोनों सवाल लाइफ इन मदीना से. ऐसा भी हो सकता है दोनों सवाल लाइफ इन मक्का से, दोनों सवाल लाइफ इन मदीना से. इट्स ऑन एग्जामिनर. जैसे लाइफ इन मदीना का देखें ना, तो रिसेंटली हमारे वेरियंट के अंदर ये लास्ट आया. उसके बाद लाइफ इन मक्का मदीना का भी मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा गया, तो लाइफ इन मदीना भी आ सकता है. इट्स ऑन यू. लेकिन कहने का मकसद है कि बेटा हर चीज़ करके जाना, खुदा का वास्ता है. अगर आप लोग ग्रेड चाहते हो, अभी ये जो बचे कुछ ही दिन है इसमें मेहनत कर लो, रिजल्ट आ जाएगा. मेरी बात पे भरोसा कर लो. नहीं करना भरोसा, फेल हो जाओगे और कुछ नहीं होगा. माँ बाप का नाम रोशन करो, माँ बाप जो है वो आप लोगों से ताकि खुश हो. ये कौन सा सवाल है? बैटल ऑफ खैबर एंड तबूक हमारे से कौन सा पूछा गया है? बैटल ऑफ खैबर एंड तबूक ना. अच्छा, यहाँ पर मेरे नोट्स के अंदर जो है वो ये गलत लिखा हुआ है. 1-1 नहीं है, ये कौन सा है? 1-2 है. खैबर वॉज द क्लस्टर ऑफ सम 8 फोर्ट्रेसेस, अल नाइम, असाब, अजुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामोस, अल वली. अच्छा, अल वती भी कहते हैं, अल वली भी कहते हैं, असुलला. इन 3 पोर्शंस. अच्छा, पोर्शंस के नाम याद होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो मार्किंग स्कीम के नहीं लिखे. अन्नता, अशाक, अल कतीबा. अराउंड विच वे ले फार्म्स इन पाम ऑर्चर्ड्स. द रेनोन्ड इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेसेस ऑफ अल निजार एंड अल कामोस वर सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ खैबर. इट वॉज पॉपुलेटेड मेनली बाय द ज्यूज, दोज हुअर एग्जाइल्ड, खास तौर पर बनू नदीर वाले जो एग्जाइल हुए थे. After the exile, the Jews made Khyber a center against Islam. Thus, due to their conspiracies, they were a constant threat to the peace and security of the state of Medina. The Jews of Khyber were planning to make a secret and offensive dash on the state of Medina. The Prophet, when informed about their secret plan, he collected his 1400 men and 200 cavalry and traveled to Khyber. In month of Muharram, he made a surprise and besieged all their fortresses. He gave banner and instructions at Jihar to Hazrat Ali. उसके बाद हमने बताया हजरत अली had a problem in his eye. Prophet supplicated for him and applied his blessed saliva on his eyes, so the problem left. Prophet then handed जो हमारे पास बैनर है to him and where he pledged to fight the enemies. Out of a number of forts which were spread over Khyber and clusters, Al Naim was the first fortress to be overtaken by Muslims. Hazrat Ali killed Jewish leader Marhab and Hazrat Zubair killed Yasir. ये भी Jewish leader थे. In general fight after fierce war, the Jews abandoned and withdrew to Assab. Later, Muslims besieged and captured fortresses of Assab, Az-Zubair and Al-Ubay one after the other, under the leadership of Hazrat Habab and Hazrat Abu Dujana captured it. And Nizar and Kamus were the most powerful and formidable forts. Nizar was standing on elevated position. Due to this, it was safe. The Jews hurled shower of arrows and stones from there. Prophet ordered to use catapults. ये मशीन होती है जिससे हमने दीवारों को तोड़ा. After breaking the walls, Muslim forces entered into fortresses and captured it. Al-Kamus, which was the greatest and the most formidable of Khyber's fortress, was conquered under the command of Hazrat Ali. It is reported to use the heavy gate of port as a shield. मतलब उन्होंने एक हाथ से एक उंगली से उसको उठाया. On this occasion, Prophet entitled Hazrat Ali as Asadullah, which means the Lion of God. As for other fortresses, Al-Wati, As-Sulaym, they surrendered peacefully. The Jews come in the pact with Muslims according to the pact which was agreed upon. Khyber was allowed to remain in the hands of local inhabitants on the condition that half of the annual harvest of all the planting and date trees would be paid as jizya to the state of Medina. All other Jewish settlements and cities around Khyber also agreed to the same terms. Consequently, Khyber was the last encounter with the Jews. फिर अगर हम बात करें तो खैबर के साथ तबूक पूछा है. द क्रिश्चियंस हु हैड होस्टाइल रिलेशंस विद मुस्लिम्स सिंस द बैटल ऑफ मुता कुड नॉट विदस्टैंड द ग्रोथ ऑफ अरेबिया एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. द सीजर हेराक्लियस कुड नॉट इग्नोर द प्रोग्रेसिव डेंजर ऑफ थ्रेटनिंग हिज बॉर्डर्स, सो ही कंक्लूडेड टू डिमोलिश द पावर ऑफ मुस्लिम्स बिफोर दे बिकम टू पावरफुल टू कॉन्क्वर. टू मीट द रिक्वायरमेंट्स सीजर गैदर्ड अ ह्यूज आर्मी ऑफ द बाइजेंटाइन्स टू लॉन्च अ डिसाइसिव बैटल. द न्यूज ऑफ द बाइजेंटाइन्स प्रिपरेशन हैड स्प्रेड फियर अमंग द मुस्लिम्स ऑफ मदीना. दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मदीना टू वेज अ वॉर बिकॉज देयर वाज अ फेमाइन इन हिजाज. हार्वेस्ट वर रेडी टू पिक. अब जाहिर सी बात है, अगर वो हार्वेस्ट होने वाला है तो अगर वो काट लेंगे तो क्या होगा? मसला होगा. फिर आप ये बात बताएंगे, द वेदर वॉज एक्सेप्शनली हॉट एंड अ रफ डिस्टेंस दे हैड टू कवर इन केस दे डिसाइडेड टू इनकाउंटर द अपकमिंग डेंजर. Moreover, hypocrites of Medina made it more difficult by casting seeds of fear in Medina. Few tribesmen brought the news of miraculous preparation and equipment of an enormous enemy numbering over 40,000. They said that the forces had already reached Al-Balqa. The Prophet thought it had delayed or dealt positively
पैसिवली विद द सिचुएशन आई इट वुड लीव द मोस्ट ऑफुल इंप्रेशन ऑन इस्लाम एज वेल एज द क्रेडिबिलिटी ऑफ मुस्लिम आर्मी इन स्पाइट ऑफ द हार्डशिप्स दैट मुस्लिम्स वर सफरिंग फ्रॉम पीस बी अपॉन हिम वाज डिटरमाइंड नॉट टू डिले इन ऑर्डर टू स्पॉइल एनी रोमन अटेम्प्ट टू अप्रोच द लैंड ऑफ इस्लाम द प्रॉफिट ऑर्डर हिज कंपेनियंस टू गेट रेडी फॉर वॉर एंड सेंड मैसेजेस टू मक्कंस एंड अदर ट्राइब्स फॉर देयर असिस्टेंस डिस्पाइट द ऑर्ड मुस्लिम्स वॉलंटियर्ड देमसेल्व्स फॉर दिस फाइट Tribes and groups from here there began pouring in Medina. Almost all the Muslims responded positively, except hypocrites who made excuses to stay behind and three people with true faith but didn't participate in the expedition. The hypocrites made various excuses not to accompany the Messenger of Allah. They feared the instance the Quran says. They said, "Go not forth, and the heat, the fire of Jahannam is hotter than they had understood." They discouraged other Muslims by reminding them the harvesting season and hot weather. They didn't include, they didn't do anything but pass comments on Muslims' donation. As Muslims did not have enough supplies, so Prophet ने supplies मांगी. Hazrat Abu Bakr donated his full wealth. फिर आप बताएंगे कि हमारे पास क्या है? कि Hazrat Umar donated half of his wealth. Hazrat Uthman donated 900 camels. आप अगर marking इसकी में देखें तो 940 भी लिखा हुआ है. लेकिन 900 camels, 100 horses, 200 ounces of gold and 1000 10,000 dinars और उसके 1000 dinars एंड द प्रॉफिट सेड फ्रॉम दिस डे ऑन नथिंग विल हार्म उस्मान रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही डस हजरत अब्दुल रहमान पेड 200 औंसेस ऑफ सिल्वर मुस्लिम वुमेन आल्सो कंट्रीब्यूटेड जेनरसली एंड दे डोनेटेड देयर ऑर्नामेंट्स मतलब जो उनकी ज्वेलरी थी उन्होंने डोनेट कर दी प्रॉफिट अपॉइंटेड मोहम्मद बिन मसलमा इज इन चार्ज ऑफ मदीना एंड इंटरेस्टेड हिज फैमिली सेफ्टी एंड अफेयर्स टू हजरत अली इन ऑर्डर टू हिम टू स्टे विद देम हजरत अली चूज मोहम्मद पीस बी हजरत अली चेज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बट टर्न बैक टू मदीना बाय सेइंग आर यू नॉट कंटेंट टू बी विद रिस्पेक्ट टू मी एज हारून वाज टू मूसा एक्सेप्ट दैट आफ्टर मैन देयर विल बी नो अदर प्रॉफिट तो उसके बाद आप बताएंगे तबूक गए तबूक के अंदर क्या होता है कि बाइजेंटाइन डिस्पाइट डोनेशन हमारी प्रॉपरली इक्विप्ड आर्मी नहीं थी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई द शॉर्टेज ऑफ वाटर मेड द आर्मी मैन कंप्लेन टू अल्लाह मैसेंजर पर अल्लाह ताला से दुआ करी और फिर क्या हो गई बारिश हो गई उसके बाद आप ये बात बताएंगे कि हमारे पास क्या हुआ द प्रॉफिट सेंट स्मॉल एक्सपीडिशन टू वेरियस नेबरिंग ट्राइब्स दिस रिजल्टेड इन अलायंस विद मेनी क्रिश्चियंस और फिर हमारा ये एग्री हुआ कि ये लोग क्या पे करेंगे जजिया पे करेंगे प्रॉफिट गिव देम अ गारंटी लेटर सून द रोमन्स हैड विथड्रॉन फ्रॉम द बॉर्डर टाउन्स एंड डिसाइडेड टू नॉट टू इंक्रोच ऑन मुस्लिम्स लैंड व्हेन प्रॉफिट सॉ नो रीजन जाहिर सी बात हमारा लड़ना मकसद नहीं था तो हम लोग वापसी आए और आप ये बात बताएंगे कि प्रॉफिट ने तकरीबन सबको माफ कर दिया लेकिन उन 80 हिपोक्रेट्स को माफ नहीं करा एज फॉर द थ्री सिंसियर बिलीवर्स काब बिन मालिक मुरारा बिन अरबी एंड हिलाल बिन उमैया हु फेवर्ड स्पीकिंग द ट्रुथ अल्लाह मैसेंजर डायरेक्टेड हिज कंपेनियंस नॉट टू टॉक देम आफ्टर 50 डेज शनिंग अल्लाह टर्न डाउन रिवीलिंग द वर्सेस ऑफ सूरा एंड एक्सेप्टिंग देयर रिपेंटेंस मतलब उनको माफ कर दिया गया कुछ जगहों पे 40 लिखा हुआ है कुछ जगहों पे 50 लिखा हुआ है तो ये आपने क्या करना है ये सारी चीजें आपने पता होनी चाहिए उसके बाद हमारे पास है कि सर ये तो हमारा हो गया अब सर मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है एक्सलेंट रिस्पॉन्स गिव रिस्पॉन्स फॉर बोथ बैटल प्रोवाइड गुड डिटेल्स ऑफ द प्रिपरेशन पर्टिकुलर तबूक एक्सपीडिशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्डेड टू द डोनेशन मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड द इवेंट्स ऑफ द ऑल्सो इंक्लूडेड प्रॉफिट्स कोटेशन पर्टेनिंग टू रोल ऑफ सम ऑफ हिज कंपेनियंस इन दीज बैटल्स सही है अब हमारे से ये पूछा गया है सवाल बैटल ऑफ कबूर मुस्लिम्स नेवर गिव अप क्या लेसन हम इससे सीखते हैं तो हम इसका आंसर देख लेते हैं बैटल ऑफ खैबर के अंदर हमें इतनी मुश्किलें हुई लेकिन उन्होंने सही तरीके से लड़े हम इससे क्या सीखते हैं सबसे पहली चीज़ इस्लाम पे भरोसा रखें अल्लाह पे भरोसा रखें मदद ज़रूर आएगी आर्मी छोटी हो मोटिवेशन के साथ लड़ें सामने आर्मी को ना देखें फिर अल्लाह ताला के मिरेकल्स खुद ब खुद होंगे जैसे आप तो अल्लाह ताला ने हज़रत अली की आंखों से ही कर दिया सही है फिर आप ये बात बताएंगे कि हमारे पास क्या है अल्लाह ताला आपकी जो भी मुश्किल हैं डेली लाइफ के अंदर चाहे वो आपके ए स्टार से रिलेटेड हो चाहे वो आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड हो कोई भी अल्लाह ताला आपको जरूर उसकी वो करते हैं इन द बैटल ऑफ खैबर मुस्लिम शोड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इवन व्हेन थिंग्स वर टफ द इवेंट टीचेस टुडे मुस्लिम्स एन इंपॉर्टेंट लेसन कीप वर्किंग फॉर इस्लाम एंड स्टे होपफुल इवन व्हेन टाइम्स आर हार्ड वी कैन गेट इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ दोस हु केम बिफोर अस इफ यू ट्रूली बिलीव इन समथिंग लाइक अ गुड कॉज और व्हाट्स राइट कीप गोइंग एंड वर्क हार्ड रिमेंबर गॉड इज देयर टू सपोर्ट यू इन एवरीडे लाइफ वी कैन यूज दिस लेसन When we face challenges at school, work, or in our personal goals, we can think about the Battle of Khyber and can encourage us to keep going, knowing that if we are committed to what is true and God, good, we will have God's support and we will eventually succeed. तो ये हमारे पास कितने मार्क का सवाल है? 4 मार्क का। अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम देखें, तो इसकी मार्किंग स्कीम भी होगी और एग्जामिनर रिपोर्ट। Main lesson from Battle of Tabuk is one of the perseverance. Good responses highlighted how Muslims can learn to have faith in God, be determined, and show resilience in the face of adversities. These responses with a specific example from everyday lives with these characteristics can be applied.
सही है, तो ये चीज आपने पता होनी चाहिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हजरत बिलाल एंड हजरत अबू सुफियान, और अबू सुफियान या हजरत बिलाल की कन्वर्जन से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये भी पूछा हुआ। हजरत बिलाल वॉज अ स्लेव फ्रॉम अबिसिनिया, ही लिव्ड इन मक्का एंड सोल्ड टू वन ऑफ द चीफ्स ऑफ कुरैश उमैया बिन खल्फ व्हेन ही वाज ओनली अ स्मॉल बॉय। हजरत बिलाल वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स टू इस्लाम, हिज मास्टर ऑलवेज रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज इनफियॉरिटी बाय सेइंग आई एम योर मास्टर एंड यू आर माय स्लेव, यू मस्ट ओबे मी बिकॉज योर गॉड हैज बीन मेड फ्रॉम वुड एंड माई फ्रॉम गोल्ड। ही कन्वर्टेड व्हेन ही हर्ड अबाउट प्रॉफिट फ्रॉम हिज मास्टर वन डे ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम डेजर्ट आफ्टर ग्रेजिंग द शीप ही हर्ड हिज मास्टर्स वॉइस रेजिंग ही ड्रू हिमसेल्फ क्लोजर टू द डोर ऑफ हिज मास्टर्स रूम एंड हर्ड हिज स्पीच हिज मास्टर्स स्पोक वी मस्ट नॉट लेट मोहम्मद फ्रीली डिसरिस्पेक्ट आवर आइडल्स ही सेज देयर इज ओनली वन गॉड एंड एवरीबॉडी मस्ट वर्शिप हिम। His master continued to speak and mention, "How is this possible? The God of noble person of Makkah Umayyah and the ignorant black slave Bilal have the same God." The message reached to the ears of Hazrat Bilal, who did not bring tranquility in him until he reached his decision. He went to Prophet's house and concluded a promise with Muhammad and converted to Islam. One day he went to Kaaba and cursed the idols of gold, idols of small woods and stones. Oh, you unable idols, he shouted. How can you defend yourself? Woe is me that I worship these idols, and fell crying at their feet. Later he moved forward and spit the idols. When this news reached Umayyah, he started persecuting him. His master demanded him to renounce religion, disobeying Muhammad, and discard Islam. For this, his master often exposed him to the scorching sun, made him lying there, and hit him hard. Umayyah also had placed heavily rock in his chest and demanded renunciation, but he just repeated, "Ahad, Ahad, the one, Allah is one, Allah is one." The torture finally ended when Hazrat Abu Bakr brought and freed him. He migrated to Medina and there he became the first Muazzin of Islam. Prophet instructed Hazrat Abdullah bin Zaid to teach the divine words to Hazrat Bilal. Prophet ordered Hazrat Bilal to proclaim Azan, where he earned a distinction to proclaim first ever Azan. He killed his old master, Umayyah bin Khalfat Badr. He remained loyal to Prophet and used to be in Prophet's company mostly. He learned every trade directly from Promot, peace be upon him. He participated in all battles fought during the The Prophet once said, "I heard the footsteps of Bilal in paradise." उन्होंने हर बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करा, बैटल ऑफ उहद हो गई, बैटल ऑफ ट्रेंच हो गई, तो हर बैटल के अंदर इनकी पार्टिसिपेशन जरूर थी। ही वाज आल्सो वन ऑफ द विटनेस ऑफ द पैक्ट ऑफ हुदैबिया। फिर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के अंदर क्या करा, पार्टिसिपेट करा, उधर जाके अजान भी दी, फिर सुनैन, ताइफ, तबूक, हर जगह पार्टिसिपेट करा। ही अकंपनीड प्रॉफिट इन फेयरवेल पिलग्रिमेज। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट ही लेफ्ट मदीना एज ही मिस्ड प्रॉफिट ग्रेटली। ही कुडंट बियर द एटमॉस्फेयर ऑफ मदीना विच चैलेंज हिज इमोशन, और ये इसलिए छोड़ के चले गए। बाद में हजरत हसन, हजरत हुसैन उनको बुलाया था। फिर आप बताओगे अबू सुफियान। अबू सुफियान बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनू उमैया, एन इंपॉर्टेंट ऑफ शूट ऑफ द कुरैश। प्रीमियरली ही हैड राइवलरी विद द प्रॉफिट। दिस वाज बिकॉज होली प्रॉफिट्स क्लैन बनू हाशिम हैड रिप्लेस्ड हिज फादर एंड ग्रैंडफादर फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ मक्का। फ्रॉम 40 टू द 60th ईयर ऑफ होली प्रॉफिट्स लाइफ ही रिमेन्ड प्रॉफिट्स एनिमी। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में जाकर इस्लाम कबूल करा। फिर आपने ये बात बताई कि इन्होंने प्रॉफिट को हमेशा अपोज करा। ही वाज पार्ट ऑफ द क्लोज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंशियल कुरैश हु हैड प्लान्ड टू परसिक्यूट मुस्लिम्स एंड ब्रिंग द अबिसिनियन इमिग्रेंट्स बैक। उसके बाद बनू हाशिम के पीछे थोड़ा बहुत इनका हाथ था। फिर आप बताएंगे कि हर तरीके से प्रॉफिट को तंग करने में इनका हाथ था। फिर आप बताएंगे In 2H, he was heading a caravan from Syria towards Mecca. He received reports from the group of Madinite hypocrites who about Muslims' intention to raid the caravan. He called an army from Mecca for the protection of his caravan. The army of 1,000 under Abu Jahl, noticing Muslims about being outnumbered and ill-equipped, and attacked and fought against Muslims at Badr. However, he declined to take part in the battle, showing his priority to leading the caravan safely. मतलब वो कारवान को सेफली ले गए, बैटल ऑफ बदर में पार्टिसिपेट नहीं करा। फिर इनके खिलाफ बैटल ऑफ उहद भी, बैटल ऑफ उहद के अंदर 10,000 बंदा लेकर आए। इन 3H ही कमांडेड मक्कन आर्मीज इन बैटल ऑफ उहद अगेंस्ट प्रॉफिट टू इनवेड मदीना। हिज वाइफ हिंदा अकंपनीड हिम इन दिस बैटल एंड शी वाज सीकिंग रिवेंज ऑफ हर फादर फ्रॉम हजरत हमजा। फिर आप ये बात बताएंगे, ही गिव अ स्टेम रिप्लाई टू द आर्मी ऑफ मुस्लिम्स इन दिस बैटल बाय किलिंग मुस्लिम्स इन लार्ज नंबर बिफोर रिट्रीटिंग। ही चैलेंज्ड हजरत अबू बकर होली प्रॉफिट फॉर अनदर बैटल फॉलोड बाय द रिट्रीटिंग
फॉलोड बाय बैटल ऑफ उहद ही अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स एंड फॉर्च्यून्स टू द ट्राइब्स कॉजिंग डैमेज टू प्रॉफिट एंड मदीना। द अनाउंसमेंट मेड मेनी ट्राइब्स नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो हॉस्टाइल टू मदीना। 5 AH के अंदर ये बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर हमारे खिलाफ है। फिर ट्रीटी ऑफ उदैबिया के लिए N6H ही साइन ट्रीटी ऑफ उदैबिया विद द मुस्लिम्स। आफ्टर दिस ईयर हॉस्टिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हुई। हिरेक्लियस रोट हिम टू इंक्वायर प्रॉफिट्स कंडक्ट की, बताओ कैसा कंडक्ट है। तो आपके पास अबू सुफियान ने उनको प्रेस करा था। फिर आप बताओगे इनकी बेटी रमला बिन अबू सुफियान, जिनको हम उम्मे हबीबा कहते हैं, उनसे इनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि 8 AH के अंदर जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, ये माफी मांगना है, इनको माफ नहीं किया गया बाद में, लेकिन 1 डे या 2 डे बिफोर आपकी बैटल स्टार्ट होने से पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया था। फिर सरेंडर करने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया गया। प्रॉफिट ने कहा जो इनके घर में छुपेगा हम उनको माफ कर देंगे। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि इन्होंने मक्कन्स को, अबू सुफियान जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरीके से छुप जाओ, मेरे घर के अंदर छुप जाओ या कहीं और छुप जाओ। फिर आप ये बात बताओगे ही ऑल्सो रिकमेंडेड मक्कन्स टू सरेंडर एंड अवॉइड रेजिस्टिंग ऑन अप्रोचिंग आर्मी। अबू सुफियान एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट बैटल्स, जिसके अंदर आपकी हुनैन, ताइफ और उसके अंदर उनकी आंख भी क्या हो गई, चली गई। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हमने ये बैटल ऑफ ये सारी अबू सुफियान और हजरत बिलाल के बारे में बता दिया, अब सर हमारे पास है व्हाट लेसन कैन बी लर्न अबाउट इक्वालिटी। हजरत बिलाल क्या थे? हजरत बिलाल वॉज स्लेव। तो अब इसमें आप बताओ कि स्लेव के हिसाब से कैसे इक्वेलिटी। अबू सुफियान क्या थे? नॉन मुस्लिम। अब अगर मैं इसकी इक्वेलिटी पढ़ूं तो इसकी इक्वेलिटी मैं आपको दिखाता हूं। इस्लाम टीचेस अस दैट ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस आर इक्वल अपॉन एम्ब्रेसिंग द फेथ। रेस होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस इन इस्लाम, रेदर वंस स्टेटस डिटरमाइंड बाय देयर फेथ एंड डिवोशन टू गॉड एंड द प्रॉफिट। द एग्जांपल ऑफ अबू सुफियान इलस्ट्रेट दैट इवन दोज हु आर वंस एडवर्सरीज ऑफ इस्लाम या दुश्मन ऑफ इस्लाम कैन सीक फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन थ्रू सिंसियर रिपेंटेंस, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्शंस। इट इज एसेंशियल नॉट टू हार्बर फीलिंग्स ऑफ सुपियोरिटी बेस्ड ऑन वर्चुअस डीड्स, एज एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू फॉलो द राइट पाथ। देयरफॉर इस्लाम एम्फसाइजेस इक्वालिटी, फॉरगिवनेस एंड द पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रिडेम्पशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पास्ट और करंट सर्कमस्टेंसेस। इसी तरीके से आप हजरत बिलाल के बारे में बता सकते हो। हजरत बिलाल जो है वो क्या थे? एक स्लेव थे। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, कोई भी स्टेटस हो। हजरत बिलाल ने फर्स्ट मुअज्जिन बने, तो अब आप खुद सोचो कितना बड़ा उनका रुतबा होगा। तो ये जो चीजें हमें सीखने को क्या होती हैं, मिलती हैं इससे इक्वालिटी के बारे में, कि कोई इसके अंदर सुपीरियर इन्फीरियर वाला हमारे पास नहीं है, सब अल्लाह ताला ने ही सबको बनाया। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट अगर हम इसकी देखें, अच्छा मार्किंग स्कीम जो है, एक मिनट से रुकिएगा। अच्छा मुझे आप लोग बताएं हैंड रेस करके कि मार्किंग स्कीम आप लोगों को दिख रही है। सही है। अच्छा अब हमारे पास है, हमें इसमें क्या क्या कवर करना था वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। कितने बंदे गए थे, क्या हुआ था बैटल ऑफ खैबर के अंदर, बैटल ऑफ तबूक में क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर देखो तो बैटल ऑफ खैबर डिस्पाइट डिफिकल्टीज इफ यू बिलीव व्हाट यू आर डूइंग, इस तरीके से अपना आंसर। व्हाट अबाउट द लाइव्स ऑफ कंपेनियंस बिलाल बिन रबा, उसके बाद फिर आपने ये बात बताई कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने जो है वो ड्रीम देखा, उन्होंने फर्स्ट मुअज्जिन बने और ये सारी चीजें। फिर आपने अबू सुफियान की पूरी जो है वो जर्नी बताई, तो इस तरीके से। अच्छा बी पार्ट अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर इसके अंदर तो मार्किंग स्कीम के अंदर आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अभी मैं आपको बड़े गौर से एक चीज समझाऊंगा। इन फ्यूचर बैटल्स अबू सुफियान फॉट एंड ही लॉस्ट, एंड इट इज सेड दैट यरमूक ही लॉस्ट द अदर, ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ नाजरान, ही ऑल्सो टेस्टिफाइड टू प्रॉफिट एंड ऑनेस्टी इन द कोर्ट ऑफ हिरेक्लियस ड्यूरिंग। ये तो पुरानी बात है, लेकिन ये बात सर आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट है, और ही डाइड एज इन 9 इन मदीना। देखें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये नहीं भी लिख रहे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। गुड रिस्पॉन्सेज गिव कॉम्प्रिहेंशन ऑन बोथ पर्सनैलिटीज, इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बैकग्राउंड, द ट्राइब दे बिलोंग टू एंड देयर पेरेंट्स। सम नैरेटेड द पर्टिकुलर्स ऑफ बिलाल्स कन्वर्जन एंड द पर्सिक्यूशन फेस बाय हिम। सच आंसर्स वर ऑल्सो टॉक्ड एट लेंथ अबाउट हिज रोल आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना। फॉर अबू सुफियान रिस्पॉन्सेज डिटेल अबाउट हिज पार्ट इन डिफरेंट बैटल्स फॉट अगेंस्ट द बैटल एज वेल एज हिज अटेम्प्ट
आफ्टर हिज कन्वर्जन द रोल इन एक्सपेंशन वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड। यहाँ पर कहीं पे भी लिखा हुआ है कि आफ्टर दी डेथ वाला बताना जरूरी है या कुछ है, कहीं पे भी नहीं लिखा। उन्होंने किस तरीके से इस्लाम और ही डिफेंस के अंदर, तो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट बैटल ऑफ हुनैन ताइफ की एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे सकते। तो जरूरी नहीं है कि आप इलेबोरेट करो बाहर, क्योंकि आपकी जो इस्लामियात, ये भी हमारी जो थोड़ी सी निगतबाजी है, इनकी वजह से मार्किंग स्कीम ऐसी है, वरना ये मार्किंग स्कीम भी ऐसी नहीं होती। सही है, तो कहने का मकसद है थोड़ी सी डिटेल अगर बता सकते हो आगे की तो बता दो। सिर्फ ये बता दिया करो कि उनकी डेथ कब हुई, जो जैसे वाइफ हो गई या कुछ का, लेकिन जरूरी नहीं होता कि भाई आपने उनकी आगे की लाइफ बतानी। सही है, और बी पार्ट जो है वो हमारे पास, हम उसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। रेस पर्सन मैटर नहीं करती, ये चीज मैटर नहीं करती, मतलब हर चीज आपने बता दी। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई वो नहीं है, इन्फीरियर नहीं है, हर बंदा क्या है, इक्वल है अल्लाह की राह के अंदर। तो इस तरीके से आपने अपनी बातों को क्या करना था, बताना था। अब अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़, एग्जामिनर रिपोर्ट कुछ इस तरीके से, द क्वेश्चन रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स टू चूज वन पर्सनैलिटी एंड शो हाउ देयर कन्वर्जन इस्लाम हैज लेसन अबाउट इक्वल। इसीलिए अगर आप आंसर मेरा देखें तो एक किसी एक पर्सनैलिटी की है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें अबाउट इक्वलिटी फ्रॉम आइदर बिलाल और अबू सुफियान, तो मैंने किसका लिखा है, मैंने अबू सुफियान के उसमें लिखा। सर आपने अबू सुफियान उसमें क्यों लिखा? मैंने अबू सुफियान के उसमें इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप मेरे आंसर्स देखो तो मेरे आंसर्स में आपको ये बात क्लियरली पता चल रही होगी कि मैंने एक सवाल, पुराना सवाल हजरत बिलाल के ऊपर ऑलरेडी आया हुआ था। जैसे अगर मैं आपको सिखाऊं, हजरत बिलाल वाला कोई सवाल है यहाँ पे, हजरत बिलाल के ऊपर, तो मैं ये वाला ऑलरेडी क्या कर सकता था, लिख सकता था, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं लिखा ताकि बच्चे की नॉलेज में क्या हो, थोड़ा सा इजाफा हो। सही है, तो ये बात आप समझ रहे हो, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और ये हमारे लिए क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। 2022 का हमने जो है वो पेपर सॉल्व करा, एग्जामिनर रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। प्लीज़ 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 पेपर के अंदर सुकून से अपने चॉइस करना क्वेश्चन, तो उसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को देखना, उसके बाद सेलेक्ट करना, उसके बाद अटेम्प्ट करना। जो आपको मैंने बताया भाई कि क्वेश्चन वन को कितना टाइम लगाना है, 15 मिनट, क्वेश्चन नंबर टू ए या जो आपके पास बाकी जो ए पार्ट होते हैं 10 मार्क वाले, उसको 18 से 20 मिनट, और जो 4 मार्क का सवाल है 5 मिनट के अंदर इजिली सॉल्व होता है। तो इनशाला आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। बाकी हमारे इनशाला नेक्स्ट क्लासेस जब होंगी तो इनशाला उसके अंदर हम और 5 पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़। क्लास एंड हो गई है, क्लास आप लोग लीव कर सकते हैं।